आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए दो वाहनों को पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया है। वाहनों की रवानगी के उपरांत पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी को काफी समर्थन मिल रहा है। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पार्टी के वाहन जनता के बीच जाकर पार्टी का प्रचार करेंगे तथा केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक भी करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की 20 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। वह जल्द ही इन सभी विधानसभा सीटों का भ्रमण कर मतदाताओं से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। आपको विदित है पिछले 1 तारीख से, फरवरी 1 तारीख से देहरादून से 70 विधानसभाओं के लिए 70 वीडियो मोबाइल वैन हमारे द्वारा संचालित किए गए हैं उत्तराखंड प्रदेश में, जिसका फ्लैग ऑफ देहरादून से हमारे उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा किया गया था। 70 विधानसभाओं में पार्टी की नीतियों को रीतियों को प्रदर्शित करने के लिए और उत्तराखंड के की जनता को जागरूक करने के लिए और अपने वॉलंटियर्स के द्वारा जनता तक राजनीतिक अच्छी समझ के साथ एक अच्छे उज्ज्वल उत्तराखंड प्रदेश के कामना के साथ हम लोगों के द्वारा 70 विधानसभाओं में 70 मोबाइल वैन्स को संचालित किया गया है, जिनके माध्यम से उत्तराखंड की जनता को पार्टी की गतिविधियों के बारे में और उत्तराखंड सरकार में जो भी आज तक कार्य हुए हैं उन कार्यों का कंपैरिजन दिल्ली सरकार के कार्यों के साथ कंपैरिजन करते हुए हमारे द्वारा ये संचालित किए गए हैं। और इसका लक्ष्य ये है, इन जो 70 मोबाइल वैन्स हैं इनका लक्ष्य ये है कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश में 45 दिन के अंदर अंदर हम लोग 1 लाख एक्टिव कार्यकर्ता बनाने का आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है। देखिए बहुत बढ़िया रुझान हमको मिल रहा है, नवयुवकों में अच्छा जोश है और एक अच्छे उत्तराखंड की कामना के साथ लोग आगे आ रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ अभी तक देखा है उत्तराखंड में भी दिल्ली की कार्यविधि से, दिल्ली की सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर उत्तराखंड की जनता भी अपेक्षा कर रही है कि उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बेहतर तरीके से काम करे और आम आदमी पार्टी को ही आने वाले समय में जिम्मेदारी उत्तराखंड की दी जाए, यहाँ की कमान उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी के हाथों में सौंपी जाए और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो मूलभूत मानव के मुद्दे हैं उन मुद्दों को बेहतर तरीके से स्थापित किया जाए और धर्म और जाति की राजनीति को समाप्त करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्रबल तरीके से आने वाले भारत को मजबूत करने के लिए, यहाँ के नागरिकों को मजबूत करने के लिए दुनिया के नक्शे में भारत माता की जय हो, इस उद्देश्य के साथ जो है ये कार्य किया जा रहा है। अच्छा, किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन के संबंध में शुरुआती चरण में आपने उनके समर्थन में प्रदर्शन किया था, अब थोड़ा सा आपका अभियान थमा है, क्या किस तरह से समर्थन उनको करते हैं? किसान आंदोलन में हम पूरे तरीके से साथ हैं, कुछ भी नहीं थमा हुआ है। हाँ ये कह सकते हैं कि इस बीच एक्टिविटी थोड़ा सा कम हुई होंगी, ये जब संघर्ष होता है तो एक्टिविटी कभी कम ज़्यादा चलती रहती है। हम और भी पूरे मनोबल के साथ, पूरी ताकत के साथ किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं और आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन करती है किसान। मैं 20 विधानसभाओं की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, 20 विधानसभा मतलब नैनीताल जिला, अल्मोड़ा जिला, पिथौरागढ़ जिला, चंपावत जिला और बागेश्वर जिला। अभी चुनाव लड़ने के बारे में कोई भी बात हम कहने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि वास्तविक बात यह है कि पहले हमें संगठन पर ध्यान देना है, चुनाव लड़ने के लिए कैपेबल होना है और पूरी राजनीतिक सोच समझ के साथ हमें जीतने के उद्देश्य से और पूरे उत्तराखंड में सरकार बनाने के लक्ष्य से हम चुनाव लड़ रहे हैं और जो बेहतर कैंडिडेट होंगे पूरे विधानसभाओं में, चाहे वो बागेश्वर ही क्यों ना हो, उन बेहतर कैंडिडेटों को चुनाव लड़ाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।